डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्पेशल ब्रेड से एक बार फिर नाश्ता लेके आई हूँ, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। सबसे बड़ी बात कि बहुत ही कम तेल के अंदर हम बनाएंगे इसे और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो आइए देखते हैं ब्रेड से हम एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाएंगे, वो भी कैसे। इस स्पेशल ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 ब्रेड। ये मैंने आटा ब्रेड लिया है क्योंकि मैं आटा ब्रेड ही यूज करती हूँ, व्हाइट ब्रेड मैं कम ही यूज करती हूँ क्योंकि ये हेल्दी होता है। इसे हम कट कर लेंगे, कोई भी ढक्कन या कोई भी कटोरी या कोई भी बाउल किसी से भी आप इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है और बाकी का जो ये बचा हुआ किनारा है इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसके हम क्रम्स बना लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसी तरह से मैं दूसरे ब्रेड को भी कट कर लूँगी। ये 4 स्लाइस हमने काट लिए हैं। इसके ऊपर हम लगाते हैं हरी चटनी। ये मैंने घर में बनाई है धनिया पुदीने की हरी चटनी, इसे हम लगा लेते हैं। ये हमने 4 स्लाइसेस पे हरी चटनी लगा के रख दी है, इसे मैं एक साइड पे कर देती हूँ। अब ये मैंने लिया है आधा बाउल क्रीम बेसन। इस बेसन के अंदर मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच नमक, नमक बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर और ये मैं डालूंगी साबुत जीरा, इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है, 1/4 चम्मच थोड़ा सा ही मैंने डाला है। इसे हम कर लेते हैं मिक्स। इसके अंदर मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालूंगी, आप स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो डालें चाहे तो स्किप कर लें। ये मैं करीब 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, ये बेकिंग पाउडर है ना कि बेकिंग सोडा, इससे थोड़ा सा हल्का हो जाता है। इस तरह से इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ताकि इसके अंदर लम्स ना रहें। कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, ये हमारा बैटर तैयार है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैंने जो स्लाइसेस के ऊपर चटनी लगाई है इसको हमने क्या करना है, इसके अंदर मैं रखूँगी स्लाइसेस टमाटर के। ये मैंने करीब इसके अंदर अगर 3 आते हैं तो मैं 3 रखूँगी, अगर 2 आते हैं तो 2 रखेंगे। दूसरे स्लाइस को उठा के इसके ऊपर हमने पलट देना, तो मैंने इसके अंदर करीब 3 स्लाइसेस रखे हैं। इस तरह से हम इसे दबा देंगे। इसी तरह से मैं दूसरा भी तैयार करूंगी, बट मैं टमाटर बाद में रखूंगी जब मैंने बनाना होगा। ये मैंने बैटर ले लिया है, इस बैटर के अंदर हमने इस तरह से ब्रेड को डिप कर लेना है। इसी के साथ हम ऊपर की तरफ भी इसे लगा लेंगे, आप चाहें तो आप हाथ से पकड़ के इसे पलट भी सकते हैं, अगर आप इस तरह से लगाना चाहें तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो मैं साइड्स पे भी लगाते हुए पूरा मैंने लगा दिया है। तवा गर्म हो चुका है, मैं नॉनस्टिक तवे पे बना रही हूँ। बीच में हम डाल देंगे ऑयल, थोड़ा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल आधा चम्मच मैंने ऑयल डाला है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसे एक तवे के ऊपर रख दिया है, एक तरफ इसे पकने दें, थोड़ा सा लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने देंगे इसे। और ज्यादा देर के लिए आपने ब्रेड को बेसन के अंदर नहीं रखना, अगर आप ज्यादा देर रखोगे तो ब्रेड घुल जाएगा, तो आपने जैसे ही बीच में डालना है साथ के साथ ही इसको निकाल लेना। इसे हम एक बार पलट देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये एक तरफ से थोड़ा पक चुका है, अब दूसरी तरफ भी इसे हम पकने देंगे और इस तरह से हम थोड़ा सा ऑयल साइड पे लगा लेंगे। नीचे से ये पक चुका है, अब हमने इसको साइड से जो किनारी है उसके अंदर से पकाना है। तो हमने एक चिमटा लेके इस तरह से हम को घुमाते हुए तवे के ऊपर इस तरह से हम पका लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही हमारा टेस्टी ब्रेकफास्ट बनके तैयार होता है और सबसे बड़ी बात कि इसे बनाने में टाइम नहीं लगता और ये हेल्दी भी बहुत है। दोनों तरफ से अच्छे से पकने के बाद हम इसे उतार लेंगे, एक प्लेट में हम निकाल लेंगे इसे। इसी तरह से हम दूसरे भी ब्रेड बना लेंगे। ये हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट बनके तैयार है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, आप इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।